आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपको अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं रितिका सिंह हूँ। मैं यूपी के स्टेट सिल्वर मेडलिस्ट हूँ बॉक्सिंग गेम में। और मैं इस टाइम मेरा पिछले साल साई में चयन हुआ था, जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है बॉक्सिंग सेंटर बनारस में। मैं आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारा देश इस समय बहुत ही कठिन परिस्थिति में है, जो हमारे देश को हमसे बहुत ही उम्मीदें हैं। हम अपने देश को बचाने के लिए को प्रयास करने चाहिए। हम आपको ये कोरोना संबंधित कुछ बताना चाहते हैं। हम आप जब भी अपने घर से बाहर जाएं तो विशेष कार्य होते हुए जाएं, अन्यथा आप अपने घर से बाहर ना निकलें। अगर बाहर गए हैं और वापस आ रहे हैं तो आप अपने घर के बाहर ही रुक जाएं और बाहर लगे हुए हैंडपम्प या नल से अपने हाथ को और अपने हाथ को कम से कम 20 सेकेंड तक अवश्य धुलें। और मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप बाहर से आए हैं तो अपनी फैमिली में किसी से भी ना मिलें, हाथ पैर धुलने के बाद ही अपनी फैमिली से मिलें। और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आप अधिक से अधिक धूप में रहने का प्रयास करें, गर्म चाय पिएं, दूध पिएं और दूध में हल्दी डालकर पिएं। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग हैं बहुत ही जो हाँ हमें जो एसी में कूलर में और फ्रिज का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनसे बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा ठंडे मौसम में ना रहें, क्योंकि पता है आपको कि कोरोना जो है वो 36 टेम्परेचर पे ख़त्म होता है। इसलिए हम अधिक ठंडे स्थानों पे ना रहें। हम अपनी बॉडी को कम से कम 1 घंटे तक धूप में अवश्य रखें। इससे हमारा शरीर में कोरोना प्रभावी नहीं होगा। आपसे निवेदन है कि आप अपने शरीर की स्वयं सुरक्षा करें। हम आज चलो ये प्रण लेते हैं कि हम अपने देश में कस्बे, जिले, कानपुर एवं सभी समस्त शहरों इनफैक्ट हमें देश को क्या पूरी दुनिया को साबित करके दिखाना है कि हम इस कोरोना से लड़ सकते हैं। इसलिए हम को हार नहीं माननी है, इस कोरोना से लड़ना है। हम ये प्रण कर लें कि हम सभी जरूरी संबंधी बातों का ध्यान रखेंगे, गर्म पानी पियेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। जब बहुत ही ज़रूरी कार्य होगा तभी हम बाहर जाएंगे। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने समस्त आप जो कर सकते हैं वो करें सुविधाएं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप घर में रहकर अपने सभी कार्यों को जारी रखें। आप ऑफिस में हैं, आप अपने कार्य को ऑनलाइन करें। आप अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, ऑनलाइन पढ़ाइए, पर उन्हें इस मीडिया इंटरनेट की लत मत लगने दीजिए। अगर उनकी लत लग गई तो आने वाले टाइम में आपको छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप जब भी वो पढ़ रहे हों आप उनके पास बैठें और उनके साथ रहकर उनकी पढ़ाई पूरी कराएं। मैं अपने यूपी पुलिस और डॉक्टर्स, आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, नेवी और डॉक्टर्स का धन्यवाद कहती हूँ कि वो इस कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ हैं। वो 24 घंटे हमारी सेवा के लिए तैनात हैं। आप सभी को प्रसन्न होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे और आज ये दिन है जब हम अपनी फैमिली के साथ हैं। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में रहिए, फैमिली के साथ रहिए और उन्हें अच्छे से बातें बताइए और उनको बोरियत महसूस मत होने दीजिए। मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। मेरी अगर कहीं भी ड्यूटी लगाई गई मैं पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करूँगी। और आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ कृपया घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें। हमारे जिला प्रशासन कानपुर देहात के DM का मैं धन्यवाद कहती हूँ कि वो इतने जागरूक हैं और उन्होंने हमारे नरेंद्र मोदी से सराहनीय कार्य किया है। मैं उनको धन्यवाद कहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।